कोरोना वायरस से परेशान चीन के लिए राहत की खबर। कोरोना के नए मामलों में कमी, साथ ही बड़ी संख्या में संक्रमित लोगों को अस्पतालों से डिस्चार्ज किया जा रहा है। कोरोना से 74,500 से ज्यादा लोगों को संक्रमित पाया गया, जबकि 2100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। कोरोना से दक्षिण कोरिया में पहली मौत की खबर आई। कोरोना वायरस से संक्रमण के 31 नए मामले सामने आए। नए मामलों के साथ ही दक्षिण कोरिया में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की तादाद 82 हुई। कोरोना वायरस से निपटने की कोशिश में जुटा है प्रशासन। यूक्रेन में कोरोना के मुख्य केंद्र से इवैक्यूएट करके लाए गए लोगों के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि वुहान से लाए गए लोगों की वजह से यूक्रेन में कोरोना फैल सकता है, हालांकि प्रशासन ने कहा इसमें कोई खतरा नहीं। चीन में कोरोना वायरस की वजह से फंसे पाकिस्तानी छात्रों को निकालने की मांग तेज हो गई। इस्लामाबाद में गुस्सा है, छात्रों के परिजनों ने विरोध प्रदर्शन किया। चीन में 1,000 से ज्यादा पाकिस्तानी छात्र कोरोना वायरस की वजह से फंसे हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भारत के खिलाफ एक बार फिर से बयान दिया। इंटरव्यू में गुटेरेस ने कहा सरकार को किसी से भी नागरिकता छीनने से बचना चाहिए। पाकिस्तान दौरे पर गए गुटेरेस ने यह बात भारत के नागरिकता संशोधन कानून को लेकर कही। फ्रांस और जर्मनी के बीच रक्षा सौदों पर समझौता हुआ। दोनों देशों के साथ मिलकर यूरो फाइटर जेट बनाएंगे। पेरिस पहुंची जर्मनी के रक्षा मंत्री और फ्रांस के रक्षा मंत्री ने हस्ताक्षर किए। ड्यूक और डचेस ऑफ ससेक्स 31 मार्च को शाही परिवार की वरिष्ठ सदस्यता औपचारिक रूप से त्याग देंगे। यह जानकारी प्रिंस हैरी मेगन मकल के प्रवक्ता ने दी। 31 मार्च के बाद से वो शाही भूमिका में नहीं रहेंगे, लेकिन एक साल बाद महारानी एलिजाबेथ इसकी समीक्षा करेंगे। राजकुमार हैरी मेगन ने इस साल की शुरुआत में ऐलान किया था कि वो दोनों राज परिवार से अलग होंगे। लबनान में बिगड़ी आर्थिक स्थिति को देखते हुए आईएमएफ की टीम ने लबनान की राजधानी बेरूत में प्रधानमंत्री से मुलाकात की। लबनान सरकार बिगड़ती स्थिति को देखते हुए लगातार आईएमएफ के संपर्क में थी। ब्रिटेन के कार्डिफ में एक बुजुर्ग शख्स की बहादुरी की हर तरफ चर्चा है। 77 साल के बुजुर्ग पेंशनधारी ने लुटेरों को मार भगाया। दरअसल बुजुर्ग एटीएम से पैसा निकाल कर अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे थे। बदमाश आया, बुजुर्ग से पैसा छीनने की कोशिश की। बुजुर्ग ने बहादुरी से डट कर लड़ाई करके उस घूंसे मारकर इस बदमाश को भगा दिया। मशहूर कंप्यूटर वैज्ञानिक और कट कॉपी पेस्ट फाउंड और रिप्लेस कमांड के जनक लैरी टेस्लर नहीं रहे। 74 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। जेरोक्स पालो ऑल्टो रिसर्च सेंटर ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी। टेस्लर जेरोक्स के पूर्व शोधकर्ता भी रह चुके हैं।